चलिए आगे बढ़े। सातवें दीपोत्सव की तैयारियां तेज हो चुकी हैं अयोध्या में। एक बार फिर से भव्य दीपोत्सव की तैयारियां तेज हो चुकी है। प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। अयोध्या में एक बार फिर से भव्य दीपोत्सव की तैयारियां। इस बार 21 लाख दिए जलाने का लक्ष्य है। देखिए वहां पर हर बार पिछला जो रिकॉर्ड होता है उसको तोड़ा जाता है और इस बार 21 लाख दिए जलाए जाएंगे। बड़ी बात यह है कि इस बार जब तारीख तय हो चुकी है कि रामलला कब विराजमान होंगे, कब प्राण प्रतिष्ठा होगी, 22 जनवरी वो तारीख होगी, उससे पहले ये बेहद ऐतिहासिक लम्हा है क्योंकि हर कोई, जाहिर सी बात है, हमने देखा कि वहां पर पहुंचता है, दिए जलाता हुआ नजर आता है। इतने सारे जो वॉलंटियर्स हैं वो वहां पर दिए जलाते नजर आते हैं। मुझे लगता है कि महिमा के पास कुछ खास है। आपने क्योंकि रामलला का जिक्र किया, देखिए अयोध्या में सातवीं बार हो रहा है, रामलला का जिक्र चुके हम करें तो अगली खबर भी इससे जुड़ी हुई और ये अखबार में फिलहाल दी गई, इसलिए मैंने सोचा कि मैं फटाफट से दर्शकों को बता दूं। 3 फीट ऊंचे स्वर्ण सिंहासन पर विराजेंगे रामलला। 15 दिसंबर तक स्थापित हो जाएगा सिंहासन, 3 फीट का सिंहासन और 5 फीट के होंगे श्री रामलला। गर्भगृह की नकाशी पूरी प्रतिमा कमल पर विराजित होगी और सिंहासन से प्रतीक तक की ऊंचाई 8 फीट होने वाली है। दैनिक भास्कर के 2nd नंबर के पेज पर इस खबर को बताया गया और साथ ही गर्भगृह की नकाशी पूरी हो चुकी है, इसकी एक छोटी सी तस्वीर यहाँ पर फिलहाल दी गई है। देखिए अयोध्या में बन रहे श्री राम जन्मभूमि मंदिर के गर्भगृह में 15 दिसंबर तक 3 फीट ऊंचा स्वर्ण सिंहासन स्थापित होगा। अब खास बात क्या है आप फटाफट से जान लीजिए। इस पर 51 इंच ऊंची श्री रामलला की प्रतिमा रखी जाएगी। प्रतिमा कमल पर विराजित होगी और इस हिसाब से सिंहासन से लेकर प्रतिमा तक की ऊंचाई 8 फीट के आसपास होने वाली है और सिंहासन की नाप जोक ज्योतिष गणना के आधार पर इस तरह से रखी गई है कि राम नवमी की दोपहर 12 बजे भगवान के ललाट पर सूर्य की किरणें आभा बिखेरेंगी। देखिए तो बहुत ही खास तस्वीरें और राजस्थान के कारीगर लगातार सिंहासन बना रहे हैं तो बहुत ही खूबसूरत तस्वीर वहां से आपको जल्द ही सामने आने वाली, आप जल्द ही देखेंगे जब अयोध्या में रामलला का जो मंदिर है वो पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा।